So hello student welcome to the unit number 3 of emerging trends in civil engineering unit number 1 was about soft computing technique unit number 2 was about recent construction material now we will have to see what are the latest tools and equipment used in uh, recent technology so we will start from survey equipments that is lidar scan station global pos positioning system geographical information system photogrammetry drones direct reading grade rods 3d laser scanning laser levels so vision vision of the program is to impart excellent civil engineering skill to develop employable civil diploma engineers and to fulfill this vision we have various missions effective implementation of teaching learning process to benefit students imparting the modern technical skill as per the requirement of the industry to improve employability and to develop social and environmental responsible civil engineers so what are the learning outcome? Uh, identify the correct use of given advanced tools equipment. Select the appropriate instrument required for the given construction activity and identify the situation for the use of given advanced equipment. Oblique in instrument. The course outcome mapped is suggest the advanced material as per site condition. P.O.s are P.O. one, P.O. three, P.O. four, P.O. five, P.O. six, P.O. seven, and PSO1, P.S.O. one, P.S.O. सो लीडार वॉट आर यूंग सींग इन द स्क्रीन आप क्या देख रहे हो स्क्रीन पे लीडार वॉट आर वॉट इज द फुल फॉर्म ऑफ लीडार लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग तो ये जो आप इमेज देख रहे हो ये क्या है लीडार डिजिटल टेरेन मॉडल डी टी एम विथ हिल शेड हिल का पहाड़ का एक शेड है सो लीडार इज अ सर्विंग मेथड दैट टारगेट द ऑब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट विद द पल्स ऑफ लाइट लाइट जो हम लोग गिनते हैं उसके पल्स वेलोसिटी से ये टारगेट करता है एंड मेजर द टाइम टेकन फॉर द लाइट टू रिफ्लेक्ट बैक टू द डिटेक्टर द टाइम टेकन करस्पॉन्ड डायरेक्टली विद द डिस्टेंस टू द ऑब्जेक्ट अलाउंग द पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट टू एक्यूरेटली डिटरमाइंड एंड इट इज कॉमनली यूज बाय मैंड एयर फ्लाइट एरियल फ्लाइट्स फॉर मेजरिंग एलिवेशन एंड द हाइट ऑफ एंड टेक्सचर ऑफ सरफेस स्ट्रक्चर हाइट मेजर करने के लिए ये बिल होता है सच एज बिल्डिंग एंड वेजिटेशन कहाँ यूज होता है ये एरियल फ्लाइट्स में जहाँ पर एलिवेशन और हाइट हमको डिस्टेंस करना है देन ये जो आप देख रहे हैं ये क्या है लीडार की सेल्फ ड्राइविंग कार सेंसर ओके लीडार यूजेस अल्ट्रा वायलेट विजिबल और नियर इन्फ्रारेड लाइट टू इमेज ऑब्जेक्ट जो भी उसके नज़दीक में अल्ट्रा वायलेट विजिबल और इन्फ्रारेड लाइट है वो उसको कैप्चर करता है इट कैन टारगेट अ वाइड रेंज ऑफ मटेरियल इंक्लूडिंग वो किस किस को टारगेट करता है नॉन मेटेलिक ऑब्जेक्ट रॉक रेन केमिकल कंपाउंड्स एरोसोल्स क्लाउड्स एंड इवन सिंगल मॉलिक्यूल्स द एसेंशियल कॉन्सेप्ट ऑफ लीडर वॉर ओरिजिनेटेड बाय ई एच सिंज इन नाइनटीन थर्टी फो थर्टी हू हैज इन्वैसेड द यूज ऑफ पावरफुल सर्च लाइट्स टू प्रूव द एटमोसफियर देन

नासा एज आइडेंटिफाइड लीडर एज अ की टेक्नोलॉजी नासा में ये की टेक्नोलॉजी है फॉर एनेबलिंग ऑटोनोमस प्रिसेशन सेफ लैंडिंग ऑफ फ्यूचर रोबोटिक कोई रोबोटिक को अपने को रोबोट्स को फ्यूचर में सेफ लैंडिंग अगर करना है तो ये उनका की टेक्नोलॉजी है एंड क्रिवड लूनार लैंडिंग व्हीकल्स सो नेक्स्ट इज स्कैन के स्टेशन आप देख रहे हैं क्या है ये स्कैन स्टेशन स्कैन स्टेशन आर यूज फॉर अ वाइड रेंज ऑफ हाई डेफिनेशन सर्विंग एच डी एस एप्लीकेशन आइदर अलॉन्ग साइड ट्रेडिशनल सर्वे इंस्ट्रूमेंट और एज एन अल्टरनेटिव टू टोटल स्टेशन ये अल्टरनेटिव टू टोटल स्टेशन भी हो सकता है या फिर कोई एक ट्रेडिशनल सर्वे इंस्ट्रूमेंट है उसके लिए भी ये साथ में काम कर सकता है यूजिंग थ्री डी लेजर स्कैनिंग इंस्ट्रूमेंट्स द सर्वेयर कैन रैपिडली कलेक्ट अ लार्ज अमाउंट ऑफ एक्यूरेट कोऑर्डिनेटेड थ्री डायमेंशनल थ्री डी लेजर पॉइंट देखो स्कैनिंग इंस्ट्रूमेंट अगर अपन यूज़ करेंगे तो सर्वेयर क्या है जल्दी से जो रैपिडली फास्टली वो अपना डेटा कलेक्ट कर सकता है वेन द थ्री डी स्कैनर हैज स्कैंड अ स्ट्रक्चर और साइट टू क्रिएट अ प्रिसाइज हाई डेफिनेशन सर्वे इमेज इट इज़ एन प्रोसेस टू मॉडलिंग देखो अपन स्कैन करने के बाद क्या करते हैं उसको थ्री डी मॉडलिंग वगैरह जो भी सॉफ्टवेयर आपने पढ़े उसमें उसको यूजुलाइज विजुलाइज करने के लिए फॉरवर्ड कर देते हैं एंड दिस टाइप ऑफ सर्वे टेक्नोलॉजी अलाउज़ द सर्वेयर टू कैप्चर एंड यूज़ लार्ज वॉल्यूम ऑफ थ्री डी डेटा

क्या है ये एक हैंडी जीपीएस डिवाइस है जो टू मैप एन एरिया ओके जीपीएस इज अ सैटेलाइट बेस्ड नेविगेशन सिस्टम जीपीएस यूनिट डिटरमाइंस इट्स पोजिशन यूजिंग सेटेलाइट दैट ऑर्बिट द अर्थ एक ये सेटेलाइट पर चलने वाला एक ये है डिवाइस है सैटेलाइट बेस्ड डिवाइस है और वो अर्थ के अराउंड घूम के उसको पोजिशन कैप्चर करता है ईच सेटेलाइट पोजिशन एज वेल एज द करंट टाइम इज ट्रांसमिटेड वायर रेडियो सिग्नल एंड द जी पी एस यूनिट रिसिव दिस सिग्नल एंड न्यूजेज देम टू कैलकुलेट इट्स पोजिशन इन टर्म ऑफ लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड और एल्टीट्यूड जी पी एस है वो अपना धरती के अराउंड घूमता है सेटेलाइट उससे वो रेडियो सिग्नल वा थ्रू भेजता है और उससे पोजिशन हमको पता चलती है एंड द जी पी एस कॉन्सेप्ट इज बेस्ज ऑन टाइम एंड द नोन पोजिशन ऑफ जी पी एस स्पेशाइट सो यू यूजेस क्या है इसके यूजेस है सर्वेइंग एंड मैपिंग वॉज वन ऑफ द फर्स्ट कमर्शियल एडेप्टन ऑफ जी पी एस एट इट प्रोवाइज अटीट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड पोजिशन डायरेक्टली विदाउट द नीड टू मेजर एंगल एंड डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स इन प्रैक्टिस जी पी एस टेक्नोलॉजी इज ऑफन इनकॉर्पोरेटेड इन टू अ टोटल स्टेशन टोटल स्टेशन में भी आजकल जी पी एस टेक्नोलॉजी आने लगी लग है एंड जी पी एस रिसीवर यूज फॉर बेस्ड लाइन मेजरमेंट आर जनरली मोर कॉम्प्लेक्स एंड एक्सपेंसिव दैन दोन कॉमन यूज रिक्वायरिंग अ हाई क्वालिटी एंटीना इनको जो जी पी एस यूज़ करता है रिसीवर जो रहता है उसको हाई क्वालिटी एंटीना लगता है और अभी आजकल उनका कॉस्ट ज़्यादा बढ़ चुका है थ्री मेथड है जी पी एस के स्टेटिक जी पी एस बेस लाइन रियल टाइम कैनामेटिक आर टी के ऑब्जर्वेशन कंटिन्यूसली ऑपरेटिंग रेफरेंस स्टेशन सी ओ आर एस दैन द नेक्स्ट वन इज़ जोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम जी आई एस जोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सेक्शन सिस्टम इज़ अ फ्रेमवर्क फॉर गैदरिंग मैनेजिंग एंड एनालिजिंग डेटा कोई डेटा कलेक्ट करना है रिलेटेड टू जोग्राफी मैप लैंड रिवर लेक इनके लिए कुछ अगर अपने को डेटा कलेक्ट करना है तो मैनेजिंग और एनालिसिस करता है ये रूटेड इन द साइंस ऑफ जोग्राफी जी आई एस इंटीग्रेट मैनी टाइप ऑफ डेटा बहुत सारे डेटा हम कलेक्ट कर सकते हैं इट एनालाइज स्पैटिकल लोकेशन एंड ऑर्गेनाइज़ लेयर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन इन टू विजुलाइजेशन यूजिंग मैप एंड थ्री डिस विद दिस यूनिट कैपेबिलिटी ये डीपर इनसाइड इन टू डेटा सच एस पैटर्न रिलेशनशिप सिचुएशन हेल्पिंग यूजर मेक स्मार्टर डिसीजन देखो किसी का पैटर्न बनना जैसे आपने इसमें देखे होंगे सर्वे में कि आपको हील का पैटर्न रहता था लेक का पैटर्न रहता था तो ये सब पैटर्न इससे हम लोग कैप्चर कर सकते हैं एप्लीकेशन क्या है जी जी आई एस कैन बी यूज एज अ टूल इन बोथ प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग जियो स्पैटियल डेटा कैन बी एनालाइज टू डिटरमाइन द लोकेशन ऑफ फीचर्स एंड रिलेशनशिप्स टू अदर फीचर आइडेंटिफाइंग द मोस्ट एंड और लीस्ट ऑफ सम फीचर एक्जिस्ट द डेंसिटी ऑफ फीचर इज इन अ गिवन स्पेस हैपनिंग इन साइड एन एरिया ऑफ इंटरेस्ट द डेंसिटी क्या है उसमें फीचर इन अ अवन स्पेसिंग इन साइड अ एरिया ऑफ एन इंटरेस्ट प्रोसेस इज नियर बाय सम फीचर्स ऑफ फिनोमिना मॉडिफिकेशन ऑफ स्पेसिफिक एरिया ओवर टाइम तो ये क्या है इसके एप्लीकेशन है देन असाइनमेंट नंबर वन क्या रहेगा आपका आपको एप्लीकेशन ऑफ जी आई एस इन्फॉर्मेशन सिस्टम बताना है और यूजेस ऑफ जी पी एस इन सर्वेइंग बताना है तो आज के लेक्चर में लीडार स्कैन स्टेशन जीपीएस और जीआईएस देखे देखें नेक्स्ट वीडियो में ये देखेंगे थैंक यू